मैंने देख ली। नहीं हाँ देख ली। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पुलिस का काम है, करती है पुलिस। अच्छा, बंदा छोड़ दिया लेके? चार किलो चर्च में बंदा पकड़ा और पैसे लेके छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैंने ना पकड़ा ना छोड़ा। ये किसकी बात कर रहे हो? कौन बंदा? ले आओ बंदा। ये जो है ना, चार किलो माल लेने आया, ये पहली दफा नहीं आया। हम जैसे आते एक दफा भाई को भेजा, दो किलो खरीदा। हमारे फील्ड का काम है, हम ये ऐसे करते हैं। हम किसी को बोले पुलिस वाले, तो हम तो कुछ देगा नहीं। एएसआई अब्दुल वाहिद का इसरार था कि इससे धीमे लहजे में बात की जाए, इसे शर्म या गैरत दिलाने की कोशिश भी ना की जाए। लेकिन ये सोचकर अपना लहजा धीमा रखना मुमकिन नहीं रहता था कि इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर की रिश्वतखोरी का खुमियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हम करप्ट सिस्टम के इन करप्ट कल पुर्जों का और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपने हाल और इनकी हालत पर चीख चिल्ला ही सकते हैं, सो कम से कम आवाज बुलंद करने से तो बाज नहीं आएंगे। हमारे बच्चों को मेरे शर्ट पे लगा रहे हो तुम? ओ भाई, हम नहीं लगा रहे। तो ये कौन है? चर्च फरोश से आराम से कैसे बात करूं मैं? मनशियात फरोश से? मैं मनशियात फरोश। और मनशियात चार किलो चर्च में बंदा पकड़ के छोड़ दिया आपने? चार किलो चर्च में? ये किससे बात? पुराने पक्के लोग हैं, वैसे कैसे काम करते हैं? किसको बेच? मैंने नहीं बेची चर्च किसी को। साबित करो कि मैंने चर्च बेची है। मैंने छह बोला लेकिन चार दाम में आ गए। चार किलो चर्च, चार किलो माल है, पांच लाख रुपए लेंगे। बात ऐसी किसी से? उस कमरे में आओ ना जहाँ बैठ के डील कर रहे थे। आओ, आना पड़ेगा आपको, ऐसे ही छोड़े। एएसआई अब्दुल वाहिद की पोस्टिंग भी आखिर तक हमारे लिए एक अजीब मुअम्मा रही। ये इस थाने में तैनात नहीं था, लेकिन यहाँ एक वीवीआईपी कमरा इसके जेरे इस्तेमाल था, और ये यही लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लाता और फिर इन्हें छोड़ने की डील भी करता था। ऐसे नहीं, आपको आना पड़ेगा, वरना ये चलता रहेगा। चला गया मेरी पोस्टिंग है जोन में। यहाँ पे किसके नाम पे कर रहे हो तुम? किसी के नाम पे नहीं कर रहा हूँ। कैसे, किसने इजाजत दी यहाँ कमरे में बैठ के डील करने की आपको? कौन? जिस कमरे में बैठ के पैसे ले रहे हो तुम? मैं नहीं ले रहा। लाओ पैसे लेने की वीडियो दिखाओ इसको। पैसे लेने की वीडियो थोड़ा आगे करते। बस ये 1,10,000 इस पुलिस अफसर की अनोखी मंतिक ये थी कि पूरे कराची में मनशियात के अड्डे चल रहे हैं, अगर मैंने रिश्वत लेकर मनशियात फरोश को छोड़ दिया तो क्या गलत किया? जिस पर हमारा जवाब था कि अगर पुलिस अफसर इस जैसे बेगैरत हो जाएंगे तो जाहिर है मुल्क में यही कुछ होगा। गैरत के नाम पर ये एएसआई भड़क उठा, यानी जैसे रिश्वत लेना गैरत का तकाजा था, मनशियात फरोश को रिहा करना भी गैरतमंदी थी, बरामद होने वाली चार किलो चर्स को वापस बेचना भी बेगैरती की अलामत नहीं थी। इसके नजदीक हराम खोरी करना बुरा नहीं था, इसके नजदीक मनशियात फरोशी भी दुरुस्त थी, लेकिन इस सब पर इसे गैरत दिलाना गाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, चार किलो चर्स में बंदे को पकड़ के छोड़ दें आप और फिर वो चर्स आगे बेच रहे हो आप, और आपसे कोई पूछे नहीं यार? आपसे ऊंची आवाज में बात ना करें, आप बादशाह सलामत है, जिले इलाही है आप। फिर आपको तमीज याद आ जाती है कि तमीज से करने वाली बातें? चलो अच्छा, ये सही है, चलो बता दो ये सही है। आओ बताओ, ये गलत है? गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है। पैसे लिए आपने? नहीं लिए। अच्छा, ये क्या है? ये आप शादी के लिए नहीं पैसा। किस चीज के पैसे ले रहा है? किसी चीज के नहीं ले रहा। चार किलो चर्च की सजाए मौत है ना मुजरिम की? चार किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? नहीं है, नहीं दफात के तहत दो महीने तीन महीने छूट जाते हैं। तो तुमने सोचा कि यहीं से छोड़ देते हैं, पैसे खड़े करते हैं? चलो यार, हमारी गलती है ना। मुझे चार किलो चर्च से पकड़ने वाला बंदा लेके छोड़ दो तुम, चर्च इनको आगे बेचने की डील करो तुम, और तुम मैं आराम से बात करूं तुमसे। भाई मैंने कोई चर्च दिए, इन्होंने बोला हम चर्च। अच्छा लाओ भी, एक मिनट। अच्छा आओ, तो आ जाओ। मैं बात हूँ, पुराने लोग हम सारी चीजें अपनी। मैं तो आराम से बात करूँ आपसे यार, जिस कौम के यार मैं, मेरे बच्चे अगर मैंने शायद इस्तेमाल करने लगेंगे आपकी हरकत में, अड्डे चल रहे बंद करा दो। तो आपने करवाने, मैंने करवाने हैं। तुम जैसे बेगैरत पुलिस वाले होंगे तो कौन बंद करवाएगा? बात करो यार, ये गैरत का तकाजा? ये बेगैरती है, ये बेगैरती में ऑनर करूंगा, ये बेगैरती है। डीआईजी को आईजी, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। तुम्हें पकड़ लो, मेरा कर सकते हैं कर लो, छोड़ोगे मुझे? बहुत कर रहा हूं, जब पैसे लेके छोड़ोगे छोड़ दूंगा मैं। क्या करोगे? हां, यानी अजीब ढीठ इंसान था जो खुद को बहुत फख्र से हराम खोर तो कह रहा था,
लेकिन हराम खोरी, झूठ और मनशियात फरोशी के बावजूद इसका इसरार था कि इसे गैरतमंद भी समझा जाए। दिल कर मेरे साथ कानूनी कार्रवाई करवा दे। अपनी करप्शन यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर यह शख्स हवास बाख्ता हो गया था। खुदा जाने इसको किसकी शह थी या इसे किस बात का घुमंड था कि ये हमें कैमरे के सामने गोली मारने की धमकी दे रहा था। मैं तो गोली मारूं मुझे। मैं मारूंगा तुझे गोली, छोड़ूंगा थोड़ा ही। अच्छा। थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही है इसकी बात करते हुए यार। कोई शर्म नहीं आ रही है। हमने गैरत, इज्जत, शर्म इन तमाम एहसासात से आरी इस शख्स को एक बार फिर शर्म और गैरत दिलाने की कोशिश की कि वो हराम की कमाई जेब में डालकर अपने बच्चों का सामना कैसे करता है, तो इसका जवाब लाजवाब करने वाला था। ये रिश्वत लेते लेते मर जाओगे, घर जब लेकर जाते होगे ये हराम की कमाई। गैरत से सारी दुनिया लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। इसके बावजूद होती है हराम की कमाई लेके अपने बच्चों के आंखों से आंखें मिला के देख लेना उनको, ये गैरत होती है? बिल्कुल होती है। मैं वखरे तो नहीं, एक रिश्वत कार हूँ, दुनिया का रही है, पूरा मुल्क ही इसी पे चल रहा है। क्या करें ये छोड़ दे हम प्रोग्राम माइक में तोड़ मोड़ के फेंक दे। मैंने नहीं बोला, क्या करना चाहिए भाई? ये आपका काम है, आप करो। आपका काम रिश्वत लेना? हमारा रिश्वत लेना या कुछ भी है वो हमारा, हम अपना करेंगे, आप अपना करो। मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है आपको? मैं पूछूंगी नहीं आपसे। इतने बड़े तुर्रम खान तो नहीं हुए ना आप? कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे। बेटे बेटे बेटियां? नहीं, एक बेटा है दो बेटियां। थोड़ा सा आपको घर जाते होंगे जब जेल में हराम के पैसे होंगे? जी, थोड़ा सा बच्चों को देख के तो आता है मेरे खुदा ने खासा मेरी। अब मेरी आराम से बात। चर्स लेके घर, जो चर्स चार किलो लेके बंदा पकड़ा आपने, मैं मेरा बयान है ना, चार किलो चर्स में बंदा पकड़ा, चार किलो चर्स बरामद कर लिया आपने, बंदा छोड़ दिया, एक किलो चर्स आगे बेचा। सुन तो ना मेरी बात, मेरा वाकिफ है ना, मैंने किसको बेची? वाकिफ है ना? ठीक है, वो तो साबित करूंगा ना मैं, जब टीवी पे बोल रहा हूँ यार मुझे कुछ तो साबित करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जब चार किलो चर्स वाला बंदा छोड़ दिया तो खुदा ना खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते? तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? वजह हमारी मर्जी नहीं आता, हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम जाने। वैसे फिर आप कहते हो मैं बेगैरती भी नहीं कहूँगा? इतनी मुतमईन बेगैरती को बेगैरती भी नहीं कहूँगा आपके सामने? बिल्कुल, मेरे बच्चे मैं जानू, मेरे बच्चे जाने, उससे आपको तो हमारे बच्चे लगेंगे, उसका जवाब कौन देगा? हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता कर लगे तो उसका जवाब तो आप ही लगेंगे ना? हाँ तो लगेंगे ना भाई, जब आप ये इस तरह की चीजें करोगे मतलब शियाद फरोशों को छोड़ दोगे तो डेफिनेटली करेंगे बच्चे। मेरे बच्चे जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का बच्चा लगेगा। आपको तो इससे काम से रोकने की तनख्वाह देते हैं हम लोग, और आप ही ये काम करवाओगे? नहीं, हमने नहीं किया।